ऑनलाइन पेमेंट और ट्रांजैक्शन सर्विस अवेलेबल कराने वाली प्लेटफॉर्म फोन पे डेकाकॉन के क्लब में शामिल हो गई है और इसी के साथ फोन पे अब भारत का सबसे अमीर फिनटेक बन गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि फोन पे कैसे डेकाकॉन के क्लब में शामिल हुआ है और कंपनी का अब आगे का प्लान क्या है। दरअसल फोन पे ने हाल ही में 12 बिलियन डॉलर से ज्यादा की वैल्यूएशन पर 350 मिलियन डॉलर की फंडिंग हासिल की है। फोन पे को ये फंडिंग जनरल अटलांटिक से मिली है। 19 जनवरी को कंपनी ने कहा कि वो मौजूदा समय में किश्तों के तहत 1 बिलियन डॉलर तक की रकम जुटाएगी। चलिए अब जानते हैं कि फोन पे ने फंडिंग हासिल कैसे की। तो बता दें कि फोन पे ने इस फंडिंग के लिए फ्लिपकार्ट की तर्ज पर स्पिन ऑफ तरीके को फॉलो किया है। फोन पे अब फ्लिपकार्ट के रैंक में शामिल होने वाला एक डेकाकॉन स्टार्टअप बन गया है। डेकाकॉन स्टार्टअप का मतलब होता है कि जिनकी वैल्यूएशन 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो। फोन पे की वैल्यूएशन यूनिकॉर्न कंपनी रिजॉर्पे की वैल्यूएशन जो कि 7.5 बिलियन है अब उससे ज्यादा हो चुकी है। अब आपको बता देते हैं कि फोन पे इस फंडिंग का क्या करेगी। फोन पे इस फंड का यूज बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए करेगी जिसमें डेटा सेंटर्स का डेवलपमेंट भी शामिल है। इसके अलावा फोन पे इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट और लेंडिंग जैसे नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने का भी प्लान कर रही है। साथ ही फोन पे की प्लानिंग यूपीआई लाइट और यूपीआई क्रेडिट पर फोकस करने की भी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फोन पे ने कुछ ही समय में अपनी वैल्यूएशन को ऑलमोस्ट डबल कर लिया है। जब फ्लिपकार्ट ने फोन पे को एक अलग यूनिट के तौर पर डेवलप किया था तो उस वक्त इसकी वैल्यूएशन 5.5 बिलियन डॉलर की थी। फ्लिपकार्ट ने उस वक्त इस प्लेटफॉर्म में 70 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया था। फोन पे को ये फंडिंग ऐसे में मिली है जब इसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर पेटीएम को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अपने आईपीओ के बाद पेटीएम की वैल्यूएशन में 60% से ज्यादा की गिरावट आई है। 19 जनवरी तक पेटीएम की मार्केट वैल्यूएशन 4.3 बिलियन डॉलर से ज्यादा पर थी। हालांकि नुकसान के बाद भी पेटीएम का रेवेन्यू फोन पे से ज्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 तक पेटीएम का रेवेन्यू 3,892.40 करोड़ रुपए था जबकि फोन पे का रेवेन्यू 1,646 करोड़ रुपए था। इसके अलावा फोन पे ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 2,014 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया था। वही 2021 में फोन पे को 1,729 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। वही साल 2022 और साल 2021 में पेटीएम को 2,325 और 1,560 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ था। चलिए अब जानते हैं कि फोन पे की शुरुआत कैसे हुई थी। फोन पे को साल 2015 में शुरू किया गया था। फ्लिपकार्ट के दो पूर्व अधिकारियों समीर निगम, राहुल चारी और बुर्जन इंजीनियर ने की थी। फोन पे के इस वक्त 400 मिलियन से भी ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और ये ऐप यूपीआई ट्रांजैक्शन में मार्केट लीडर भी है। यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात करें तो हर महीने करीब 40% से ज्यादा फोन पे से किए जाते हैं। साल 2017 में कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर बिल पेमेंट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड निवेश जैसे सर्विसेज को शुरू किया था। तो अब भारत को अपना एक नया डेकाकॉन मिल गया है और फोन पे 12 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के साथ भारत के डेकाकॉन क्लब में शामिल हो चुकी है। आपका इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।